अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। हमारे घर में जो चीज गायब हुई थी वो फिर मिल चुकी है हम लोग को। बहुत कीमती चीज गायब हुई थी जिसकी वजह से मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे धोखा देके भाग गई हो, है ना? मैंने बोला था ना, वो धोखा देके भाग गई, वो आज फिर मेरे घर में दिखेगी आपको। सलाम करो, सलाम करो, सलाम। उमा ये उमा भी उठ गई बेचारी, मेरी बच्ची। क्या हुआ उस भाई दरा? उमा ना, उमा मेरे को छोड़ के भाग गई थी, अभी आई है वापिस, ठीक है? तो है ना, रमजान का महीना था, मैंने सामने से फोन किया इनको, और उमा रमजान में काम करेंगे मेरे घर पे? ये मैडम बोलती मैं तो घर पे ही हूँ, मैं आ जाएगा। मैं छोड़ के क्यों गई थी काम, अब बताओ छोड़ के क्यों गए थे काम? छोड़ के क्यों गया था? देखो, मेरा थोड़ा मजबूरी है, मेरे को क्या बोलते हैं, 8 घंटा ड्यूटी में काम लगा था मैं, और पगार अच्छा था बोल के, क्यों मेरा भी बहुत प्रॉब्लम है पैसा का बोल के। ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये, मैं बोलता नहीं खराब है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा मिलना वो नसीब का बात है। मेरे को छोड़ के बिना बताए क्यों भागी थी माँ? मेरे को बहुत दुख हुआ था सच्ची में, मेरे को कितना दुख हुआ था, मैं रोना बाकी रह गया था खाली। तो मेरे को भी पछता नहीं आया, जब मैं आया बोल के मुझे याद आता था उसका। अब बोल के क्यों नहीं गए? सब लोग भी वो पूछेंगे बोल के, तो जाने का था ना? ये नहीं, जो काम करते बोले, एक अलग मतलब एक अलग ही रिश्ता था इसके साथ, अपनापन। जाने तो मैं तो रोने वाली थी, मैंने जब वो वीडियो बनाया था, उमा मेरे को छोड़ के भाग गई, धोखा दे के भाग गई, झाड़ू भी दिया बच्चे के हाथ से, झाड़ू बच्चे के हाथ से क्यों भिजाए थे? मेरा लड़का ऐसा ना तोड़ देता है, इसीलिए मैं भेजा था उस दिन। यानी तुमको मालूम था ना नेक्स्ट डे काम? तुरंत नहीं नहीं, वो तब मैं नहीं, दूसरे दिन तो मैं सुबह गया ना, तब मालूम नहीं था, बोला काम काम बात करने के लिए जाने का शाम को, मगर मैं गया जल्दी तो उधर लेट हो गया। लेकिन ये लोग बोले वापस भरोसा नहीं करना तुमको। मैं भी नहीं करूंगी, मैं तो क्लियर बोल रही, तुम वापस भाग सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा को छुट्टा काम मिलेगा इधर तो इधर रहने का मुझे, क्यों मेरा प्रॉब्लम बहुत है इसीलिए ना, और कुछ नहीं। अभी उमा ना आटा गूंद रही थी, ठीक है, और है ना, मैंने बोला मैं व्लॉग बनाऊंगी और तुम्हारे बारे में बोलूंगी कि तुम देखो, अभी सच्ची में नहीं भागना उमा, नहीं तो मेरी ये जो ऑडियंस है ना, मेरे को छोड़ेगी नहीं, मेरे को सीधे सीधे ये बोलेगी कि जिसने धोखा देके भागी थी उसको वापस काम पे रखने का नतीजा यही होता है, वो लोग यही बोलेंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर भी तुम पे ट्रस्ट करूंगी। अरे यार, मैंने ना फ्रेंड जैसा माना इनको, सच्ची बोलू यार। अब से आप लोगों को दिखेगी उमा मेरे भी घर में, मेरे घर में वापस से। अब कितने दिन दिखेगी वो मालूम नहीं, देखते हैं। अभी पिछले बारी भी जब रखा था तभी ये काम पे नहीं थे, हाँ, और इस बार भी रखा तभी भी ये काम पे नहीं थे, बोलते कैसे? देखो शर्म भी नहीं बोलने के लिए। एक महीने से घर पे हो, बोलते काम छोड़ के 2 महीना हुआ और 1 महीने से घर पे हो। हाँ, 1 महीने से रूम चेंज किया, बच्चे लोग का एग्जाम था बोल के मैं छुट्टी कर लिया काम का। तो उमा फिर से झाड़ू जमीन बर्तन और एक रोटी बनाएंगे, मेरे मतलब रोटी बनाने का काम मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है? पहली बात तो उमा की रोटी है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान होती रहती है। रमजान है, चलाते हैं पहले अपन, बाद में देखते ना अपन, है ना? चलो अभी मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से, ये खुशखबरी देने की थी। अल्लाह ये खुशखबरी देने की थी आप लोगों को कि उज्मा सॉरी हुमा वापस आ गई है। मेरे लिए तो है खुशखबरी, क्योंकि उज्मा भी मिस करती थी, दिल लग गया था हम लोग का इनके साथ। उज्मा भी सूर्य मिलता हूँ आप लोगों को। जी बेटा उठ जाओ। अरे आप लोग पूछते हो ना हम लोग कहाँ सोते कहाँ सोते कहाँ सोते, तो हम लोग मैट्रेस डाल के बेडरूम में सोते, क्योंकि एसी ऑन करके रात में यहाँ सोते, हॉल में बहुत गर्म होता भाई हम लोग को। उसमें उठ जा बेटा, अरे उठ जा, हॉल में बहुत गर्म होने की वजह से हम लोग बेडरूम में सोते हैं, अभी तक बिस्तर भी नहीं उठा, और हॉल की अलग के चिस्ते भी तो दिए बीला खाना खाने। और एक खुशखबरी, और एक खुशखबरी है, हमारे घर में ना नन्हे मेहमान आने वाले हैं वापस से, हमारी डिम्पो पे प्रेग्नेंट है फिर से, और ज्यादा दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्दी बच्चे होने वाले उसके, ठीक है? फिर से नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों का अपने घर में स्वागत होने वाला है। कैसा लगेगा हुमा? लास्ट टाइम भी ना जब हुमा थे ना काम पे, तो
तभी उसने बच्चे नहीं, उसने बच्चे देने के बाद ही एक महीने के बाद उमा काम पे लगे थे ना, आम बेच रहा है। करती हूँ थोड़ा, मतलब उज्मा को नाश्ता वास्ता करा के मैं भी थोड़ा मुँह हाथ धो देती हूँ। आज तो मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया, मैं इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने व्लॉग ऐसे स्टार्ट कर दिया। क्या है ना, मुँह हाथ पैर नहीं धोए, धोती हूँ मैं बस। चलो तुम उठो जल्दी जल्दी। कल कल लॉकडाउन था और मैं भाजी लाने गया था, तो देख रहे भाजी मार्केट ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, पूरा अंधेरा, सब बंद हो गया। सैटरडे था ना कल, हम लोग के पे सैटरडे संडे का फुल लॉकडाउन है, मैंने आप लोगों को बताया था। लॉकडाउन था, ऐसा लग रहा ही नहीं जो मार्केट बोल के, ऐसा लग रहा है कोई दूसरे जगह ऐसा खाने। तुम क्या करने गए थे बाहर? भाजी लेने। कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे भाजी लेने? मालूम नहीं था सैटरडे को लॉकडाउन है तो। हाँ बोला था 8 बजे कुछ। अरे वो 8 बजे का तो दिन हर रोज है, 8 के बाद लॉकडाउन रोज है, लेकिन सैटरडे संडे टाइट है। मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं गया था, मगर देखा बाबा पूरा अंधेरा, अंधेरा दो पुलिस खड़ा था, पूरा दुकान बंद, अंधेरा चालू हो गया। चलो अच्छा लगता है, काम भले कैसे भी करे लेकिन मैं करती ना अच्छा लगता है। क्या इच्छुकी आ रही है? इच्छुकी आ रही है, सलाम तो करो। जिंदगी है, हंस खेल के, हंस खेल के गुजारे, मुझे भी हंसने देना हुआ, मेरे को धोखा देके फिर भागे ना तुम, देखो फिर है ना। इतना क्या बोलो बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं तुमको फ्रेश कर लेती हूँ, उसका मुँह हाथ धुला देती हूँ, दांत घिसा देती हूँ, उसको नाश्ता करा देती हूँ। फटाफट नाश्ता करने का, हाँ जल्दी जल्दी। अच्छा अगर लेट हुआ अभी उमा बना के देंगे ना तुमको रोटी। अरे आटा इतना सी गुनवाई, मैं इतना सी आटा गुनवाई, उसको बच्ची के लिए लगती है ना रोटी अपने को, रोटी खाने का। तो खड़े खड़े किचन में अभी बना देंगे। चलो बिस्तर उठाते हैं, अपन मदद करना मेरी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? तो यहाँ पे मैं दूध गर्म करने आई हूँ, शाम का वक्त है, और साथ ही साथ मैं ना दूध उबालने के साथ साथ ना कस्टर्ड भी बना लूँगी, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने के लिए टाइम लगता है ना, तो इसके लिए। और ये कस्टर्ड का पैकेट बाज़ार से मंगाया हुआ है, पहले मैंने घर में बनाया था पिछले साल, कस्टर्ड की रेसिपी मैंने शेयर की थी, अगर आप लोगों को वॉच करना है तो आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो बाबू ने लेके आए थे, वही बना रही हूँ। और ये जो चने हैं ये मैंने उबाल के एक साथ रखे थे ना, क्या उस दिन आधा बनाई थी और आधा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो वही चने मैं आज बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे तेल गरम हो जाएगा, तो मैंने मसाला पीस लिया है चने का, चने की रेसिपी भी मैंने आप लोगों को डिटेल में शेयर की हो। तो यहाँ मैंने गरम तेल में राई ऐड की है, राई जीरा जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हैं, मैं राई डालती हूँ। और मसाले में मैंने पीसा है अदरक लहसुन हरी मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने पीस लिया है, और तेल में जैसे कि मैंने बोला राई और कड़ी पत्ता ऐड किया। उसके बाद मैं इसके अंदर ये मसाला पूरा ऐड कर दूँगी, और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके पकने की, तो उसके अंदर मैं टमाटर काट के ऐड करूँगी, और यहाँ पे जो बचा कुचा डब्बे में था ना वो भी मैंने ऐड कर दिया मसाला। और टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सी नमक हल्दी और लाल मिर्ची की बुक्की ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। पहले इसको मसाले को ही अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि चने तो हमारे उबाले हुए गले हुए, उसके बाद ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ये जो कस्टर्ड पाउडर जो इन्होंने लाया है ना, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन सकता है। मैंने पैकेट खोला तो इसमें देखा कि कम से कम हम लोग 4 से 5 बार कस्टर्ड बना सकते हैं, चार लोगों का, ठीक है। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जब कस्टर्ड बनाया ना तो 3 स्मॉल चम्मच में ही, मतलब इतना ठीक हो गया था, आधा लीटर दूध में 3 चम्मच मैंने ऐड किया, इतना गाढ़ा हो गया कस्टर्ड। शायद इसमें कॉर्नफ्लावर आटा, कॉर्नफ्लावर है ना बहुत ज़्यादा है, और जो हम घर में बनाते हैं ना उसमें क्वांटिटी मैंने एकदम मतलब बराबर ली थी, जिस वजह से मिठास भी थी कस्टर्ड बनाई थी तभी घर में, जब कस्टर्ड पाउडर मैंने बनाया था तो मिठास भी थी। बट ये जो बाज़ार वाला है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्कर ऐड करने की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने शक्कर तो ऐड नहीं किया, मैंने मिल्कमेड ऐड किया, क्योंकि मिल्कमेड था घर के अंदर। लेकिन जो घर वाला कस्टर्ड पाउडर मैंने घर में बनाया था उसमें क्वांटिटी एकदम एक जैसी होने की वजह से क्या हुआ था, वो जल्दी से थिक नहीं हो रहा था,
मतलब अगर ज़्यादा पाउडर डाल रहे तो मिठास भी आ रही थी थोड़ी, क्योंकि उसके अंदर दूध का पाउडर था, मैंने दूध का पाउडर ऐड किया था, बट इसके अंदर कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया पता है, कस्टर्ड पाउडर को 3 चम्मच ये छोटे से कप में ठंडे दूध में मिला लिया है, क्योंकि गर्म दूध में ये गाँटे बन जाती है इसकी, तो उसको ठंडे दूध में ही मिला के फिर दूध में मैंने ऐड किया है। अब इसको 2 मिनट उबालना है, इसको अच्छे से पकाना है दूध को, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर गैस को बंद कर देना, उसको ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पे। और ये तो इतना ठीक हो गया था, तो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा दूध, क्योंकि मेरा जजमेंट, मेरे घर के पाउडर के हिसाब से मैंने जजमेंट लगाया था 3 चम्मच, लेकिन 3 चम्मच में ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने थोड़ा और दूध और मिल्कमेड ऐड किया। जैसे कि मैंने बोला, मिल्कमेड ऐड करने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा आया, पकने के बाद तो बहुत, कस्टर्ड बनने के बाद बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ ये दूध भी मैंने जो है ना, ये तबेले का दूध था, तो इसकी मलाई जो ठंडे होने के बाद फ्रिज में रखने के बाद जो जमी थी कस्टर्ड पे, बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ठीक है, तो ये जो है मसाला है ये भी अच्छे तरीके से अभी भुन चुका है, तो इसके अंदर मैं ये उबले हुए चने ऐड कर दूँगी और इसको बस 2 या 3 मिनट बस ढक के पकाऊँगी, ताकि मसाला चने को अच्छी तरीके से लग जाए। आज कुछ मैं ज़्यादा पका नहीं रही हूँ और उसमें बाहर खेल रही है, तो बस वो कांदे के भजिए बना लूँगी थोड़े से, और बटाटे के मैं आज बना नहीं रही हूँ। आप लोग बोल रहे थे ना बाजी चिकन में कुछ बनाओ, चिकन में कुछ बनाओ, तो डियर मेरा भी बहुत मन करता है चिकन में कुछ बनाओ, लेकिन बनाऊँगी, जल्दी बनाऊँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं बनाई, बनाऊँगी जल्दी ही बनाऊँगी। ठीक है, क्या हो रहा है ना, दो जन के लिए चिकन का कुछ भी आइटम बनाना मतलब एक दिन के लिए भारी पड़ता है, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में बनाऊँगी, ताकि 3-4 दिन फ्रीज़र में रख के वो यूज़ कर सके, तो क्वांटिटी में बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक दिन के लिए थोड़ा भारी पड़ जाएगा ये, तो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे बातों बातों में भजिए भी बन गए मेरे, ये वही बाज़ार वाले, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे, बाजी आपके तरीके से मैंने भजिया बनाया एकदम मार्केट जैसा लगा। एक नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो तो बोल रहे थे मेरी शायद उनकी सांस कई बार बोलते थे उनको कि मार्केट जैसा भजिया बनाने का घर के अंदर, लेकिन उनसे बनता नहीं था, तो शायद उनको पता नहीं था कि सोडा नहीं डालने से बन जाते हैं मार्केट जैसे, तो उन्होंने ट्राई किया और माशाल्लाह से उनके घर में सब तारीफ़ कर रहे थे, बोलते उनकी। तो सिंपल है, सोडा ही नहीं डालने का, सोडा डालने से भजे एकदम सॉफ्ट हो जाते, पकौड़ा टाइप जो हम कड़ी में डालते, लेकिन अगर मार्केट जैसा चाहिए तो अपन कांदे के भजे में सोडा ऐड ही नहीं करने का, बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर मैंने इफ्तारी भी काट ली है और मैंने शक्कर घोल के रख ली है रूफ़ज़ा के लिए, और ये देखिए ये कस्टर्ड है ना, मैंने थोड़ा टाइम के लिए ना फ्रिज में रखा था, उसके बाद फ्रीज़र में रखा था, तो ये अच्छे से ना थिक हो गया, मतलब आइसक्रीम जैसी फीलिंग आने लग गई इसके अंदर, देखकर ही ऐसा लग रहा था आइसक्रीम जैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इधर पे ना बनाना, एप्पल और अंगूर ये काट के ले लिया कस्टर्ड में ऐड करने के लिए, और साथ ही साथ है ना मैंगो जो मैंने काट के रखा था, वो मैंगो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ख़त्म हो गया मेरा मैंगो भी, इतना ही बचा हुआ है थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो वो आज मैं ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखिए ये नहीं कि पहले दिन पे ही मैंने काट वाट के रख लिया था फ्रिज के अंदर, तो ऐसा इससे कि थोड़ा बहुत काम आसान हो जाता है, जब जो चीज़ है वो काट के रख लो तो 2-3 दिन काम आ जाए। बहुत अच्छा लगा कस्टर्ड, मार्केट वाला भी पैकेट अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत अच्छा है, बस खाली क्या है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है उससे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। और यहाँ पे बस अभी इफ्तारी निकाल रही हूँ, अज़ान का टाइम होने वाला है, कुछ 5 मिनट बाकी है, तो फटाफट से दस्तर पे बैठते दुआ करते हैं, और वैसे भी उज़्मा की तो दुआ बहुत लंबी चलती है, आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो माशाल्लाह से देखिए इफ्तारी तैयार है, रूह अफ़ज़ा बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, थोड़ी इफ्तारी, चने और भजिए, माशाल्लाह अल्लाह सबको इस तरह से इफ्तार नसीब करे खाने को। और आज मैंने उज़्मा को सबके लिए दुआ करने के लिए भी बोला, जो भी औलाद है उनके लिए औलादों की दुआ मंगवाई, जो बीमार है उनको शिफा की दुआ मंगवाई, मेरी बच्ची से सारी दुआ करने को बोला। और यहाँ पे देखिए वो है ना अपना है ना, दुआ करने के बाद है ना फूकने के लिए ढूंढती है गले पे, लेकिन उसको ये नकाब जब पहनती है ना वो तो मिलता नहीं है, लेकिन अभी 2-3 दिन के बाद उसको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि कैसे फूकने का और कैसे वापस से पहन लेने का, तो ऐसा है। तो चलिए फिर चलती हूँ, ये व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर मेरे चैनल पे नए हो तो, और वीडियो को शेयर किया कीजिए प्लीज़, और हमेशा मेरे व्लॉग्स वॉच करके लाइक करना मत भूलिए, और बस और क्या, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय बाय।